किसान आंदोलन का हर दिन अलग रूप नजर आ रहा है। जहां कृषि कानूनों के खिलाफ कई हजार किसान अपने हक के लिए बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहीं अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी किसान आंदोलन के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। इस मौके पर छात्रों ने बताया कि वे यहां लंगर बांटने और लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर बना रहे हैं। बता दें कि 5 दिसंबर को किसान संगठनों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता विफल रही थी, जिसके बाद अब केंद्र सरकार 9 दिसंबर को किसानों के साथ बैठक करेगी। जैसे हम दिन के टाइम में हम यहाँ पे मतलब पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं लोगों को इनकरेज करने के लिए, और शाम होते होते मतलब सेवा में लग जाते हैं लोगों के साथ, मतलब रोटियाँ बांटना, हलवा बांटना, यही सब कर रहे हैं। और मतलब काफ़ी सही जा रहा है, मतलब लोगों में जोश काफ़ी अच्छा है, मतलब उनका जोश देखते हुए मतलब हमको भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो शुरू से ही मतलब डीयू तो इस प्रोटेस्ट के साथ शुरू से ही है, और बस यही चल रहा है। बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, तो इट्स माई ड्यूटी कि आज मेरे खेतों की बात है तो मैं यहाँ पे भी रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अभी आए हुए हैं, कितना बैच है, कितने लोग हैं आपके डीयू के यहाँ पे? पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुझे खुद भी जैसे कोरोना की वजह से मैं काफ़ी टाइम से गाँव था, मुझे खुद भी नहीं लग रहा था कि इतने लोग पहुँचेंगे, पर रोज़ 50 to 100 सेपरेट स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचते हैं। इनफैक्ट फ्रॉम JNU एंड जामिया ऑल्सो आई मेट देम, और यहाँ चार्ट्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखते हैं, किसानों की प्रॉब्लम सुनते हैं, मेडिकल केयर के लिए आगे आते हैं। इनफैक्ट गर्ल्स भी आ रही हैं अच्छे नंबर्स में, है ना, जो हमारी ओल्ड लेडीज़ हैं, तो उनसे पूछती हैं उन्हें क्या दिक्कत है, या उनको और चीज़ों के बारे में, इस मूवमेंट के बारे में, व्हाट्स रिटन इन द न्यूज़पेपर, व्हाट्स रिटन इन द ऑनलाइन आर्टिकल्स, आगे क्या होगा उनको बताती हैं। तो DU का रेगुलर पार्टिसिपेशन है, और बेसिकली क्या है कि ये हरियाणा दिल्ली बॉर्डर है, तो जितने भी हरियाणा के स्टूडेंट्स भी लोकल गांव के दिल्ली में पढ़ रहे थे, तो दे आर ऑल्सो कमिंग रेगुलर।